अगर आपको कहीं पर अपनी ईमेल आईडी देनी है और अगर आप अपनी पर्सनल आईडी नहीं देना चाहते हैं तो गोरिल्ला मेल एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इस पर जाके आप एक फेक आईडी बना सकते हैं, इसका आप नाम दे सकते हैं और आपको एक सब नेम भी सिलेक्ट करना होगा। आप इनमें से कोई सा भी सब मेल ले सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्री है। और इसमें अच्छी बात ये है कि ये आईडी 1 से 2 घंटे बाद अपने आप ही डिलीट हो जाती है, तो इसमें आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वो टाइप कीजिए अपना नाम और फिर आप इस ईमेल आईडी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस फॉर्म में फिल कर देता हूँ और जैसे ही मैं साइन अप बटन प्रेस करूँगा, ये ईमेल आईडी काफ़ी अच्छी तरीके से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ तो भूलते ही होंगे, तो भूलने से अच्छा आपको जो भी चीज़ याद रखनी है वो आप गूगल असिस्टेंट को बता दीजिए और ये काफ़ी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को याद रख सकता है। आप अपने गूगल असिस्टेंट से कभी भी पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में, ये आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, इवन ये उस चीज़ की डेट और टाइम भी बता देता है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। अगर हम इस विकिपीडिया के पेज में देखें तो हमें काफ़ी सारी हाइपरलिंक्स मिल जाती हैं और अगर आपको इसे किसी आर्टिकल के लिए यूज़ करना है तो वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो आपको वैसे ही तरीके से कॉपी करना है कंट्रोल सी प्रेस करके, लेकिन जब आप इसे पेस्ट कर रहे होंगे किसी भी जगह तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी और ये लीजिए आपको मिल जाएगा ये नोट बिना किसी हाइपरलिंक। लास्ट ट्रिक जो कि है व्हाट्सएप शॉर्टकट्स, चलिए शुरू करते हैं। आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, इसके बाद आपको जाना है लैंग्वेज एंड इनपुट में, लैंग्वेज एंड इनपुट में आपको जाना है जी बोर्ड सेटिंग्स में आपको जाना होगा डिक्शनरी में, इसके बाद आपको जाना होगा क्रिएट न्यू डिक्शनरी में। इसमें आपको टाइप करना होगा शॉर्ट फॉर्म जो कि आप यूज़ करने वाले हैं किसी और फुल फॉर्म के लिए, तो आप इसमें जो दो चीज़ें टाइप कर दीजिए और ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। हमने शॉर्टकट टाइप कर दिया है और अब मैं लॉन्ग कट टाइप कर देता हूँ और बस मुझे प्रेस करना है ओके बटन और जैसे ही मैं इसे नोट्स में जाके यूज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज तो नहीं होता है, लेकिन ये आपको एक सजेशन के रूप में दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं शॉर्टकट टाइप करता हूँ वैसे ही मुझे एक सजेशन में सेंटेंस दिखने लग जाएगा, तो इस तरह से आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल टेक क्रश को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।